हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश चंदसारी फ्रॉम पल्स हार्ट सेंटर बेतिहाता गोरखपुर, और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और हृदय से जुड़ी हुई परेशानियों को हम कैसे बच सकते हैं इस बड़े मिनाज से, उसके बारे में मैं डेली प्रैक्टिसेस में हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। आज की इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे कि हम जो हमारे शरीर में, आपने सुना होगा ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में, वो हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए, हमारी दिमाग की नसों के लिए वो कितने घातक हैं और उनको हम कम कैसे कर सकते हैं, किन माध्यम के द्वारा उनको कम कैसे कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में आपने ज़रूर से सुना होगा, क्योंकि जिस किसी ने भी अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया होगा, 90% लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम्स दिखती हैं आफ्टर एक सर्टेन एज। 35 साल के बाद ज़्यादातर लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल लेवल से बढ़े हुए मिलते हैं, और इंडियन पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन है, बिकॉज हम लोगों की जो डाइट है उससे बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स की एंट्री हो जाती है। तो आज इसी ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में हम जानेंगे कि इनकी डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं और वो हमारे शरीर में जा कर के हमें क्या हेल्प करते हैं या हमारे लिए बहुत बुरे होते हैं, हमारे हार्ट को, हमारे दिमाग की नसों को कैसे फर्क डालते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड्स एक वैक्सी फैट होता है जो कि शरीर में कहीं भी बनता नहीं है, ये हमेशा हमारे खाने के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। खाने के सोर्सेज में हम बात करें तो केवल और केवल ऑयली चीज़ों से ये नहीं आता है, इसमें महत्वपूर्ण बात है जानने की, इसका सबसे प्रमुख सोर्स है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जो कि सिंपल शुगर, शुगर रिच फूड जो हम खाते हैं किसी भी फॉर्म में, वो कोई सिंपल बिस्किट्स हो सकते हैं, टॉफीज हो सकती हैं, कोई भी पैकेज्ड फूड हो सकता है, डिब्बा बंद चीज़ें हो सकती हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक या जो डिफरेंट फ्लेवर्ड जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनका इंटेक जिस मात्रा में करते हैं वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज पैदा करती हैं, और ये सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज शरीर में जाकर के ब्लड के फॉर्म में जाकर के ट्राइग्लिसराइड्स एक्स्ट्रा कैलोरीज के फॉर्म में फिर डिपॉजिट होने लगती है फैट सेल्स में। तो सबसे पहला सोर्स हो गया शुगर, दूसरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसी मैदा, सूजी या सिंपल राइस, या हम कह सकते हैं कि जो भी हम एक्स्ट्रा कैलोरी वाली चीज़ लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जाकर के संचित हो जाती है। दूसरे सोर्सेज की बात करें तो जो भी हम ऑयल यूज करते हैं, ऑयल, बटर या मार्गरिन, इन तीनों चीज़ों से भी हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा जनरेट होती है। ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में अब मैं देखूं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या हमारे लिए वाकई में नुकसान केवल पहुंचाते हैं या इनके कुछ फायदे नहीं है। तो देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स अगर एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में रहते हैं तो वो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं। जब भी हम कभी फास्ट करते हैं या ऐसी कोई इनएडवर्टेंट सिचुएशन जिसमें हमें खाना नहीं मिलता है, उस स्थिति में ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं, प्लस कुछ ट्राइग्लिसराइड्स हमारे कुछ डाइजेशंस में भी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ब्लड में आपकी एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा होता है तो ये आपके हार्ट की धमनियों में इकट्ठा होकर के हार्ट की ब्लॉकेजेस पैदा करता है, दिमाग की नसों में पैदा होकर के दिमाग की नसों में ब्लॉकेजेस पैदा करके भविष्य में हार्ट अटैक और आपको फालिस जैसी परेशानियों के लिए प्रोन करता है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल क्या है, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करें? तो इसके लिए एक प्रमुख टेस्ट होता है जिसे हम लोग फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का नाम देते हैं। फास्टिंग का मतलब है कि आपको इस टेस्ट से पहले 12 घंटे की स्ट्रिक्ट फास्टिंग ज़रूरी है, जिसमें पानी के अलावा कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने शाम को 7 बजे अपना डिनर कर लिया तो सुबह 7 बजे आप अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट दे करके अपने शरीर में आपके ट्राइग्लिसराइड्स या डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल्स की क्या लेवल्स है वो आराम से आप जान सकते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स का नॉर्मल लेवल जो होता है वो लेस देन 150 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर होता है। 150 टू 200 लेवल्स को हम लोग बॉर्डरलाइन रेज बोलते हैं, 200 से ज़्यादा को हम हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, और यही लेवल अगर 500 से ज़्यादा है तो इसे एक्सट्रीमली हाई ट्राइग्लिसराइड्स बोले जाते हैं, जिनकी बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो कभी भी अगर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 150 से ज़्यादा है तो आपको अपनी
डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे जरूर से फोकस करना चाहिए। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है कि क्या ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल सेम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्राइग्लिसराइड, जैसे मैंने बताया कि ये हमेशा आउटर सोर्स से आपके शरीर में अंदर जाता है, ये अंदरूनी किसी भी चीज से बनता नहीं है। तो ट्राइग्लिसराइड जब तक आप बहुत हैवी शुगरी फूड ना खाएं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, ऑयल वाली चीजें ना लें, तब तक आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बन सकते। तो ट्राइग्लिसराइड्स हमेशा बाहर की सोर्स में, जिसमें ऑयल है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और शुगरी चीजें हैं, उनके द्वारा ही हमारे शरीर में पहुंचता है। जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक फैटी वैक्सी सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे शरीर में हमारा लिवर और इंटेस्टीन उसका निर्माण करता है। कुछ मात्रा हमारे भोजन के माध्यम से भी हमारे शरीर में पहुंचता है। तो ये जानना इन दोनों के बीच में डिफरेंस बेहद जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को लेकर के काफ़ी भ्रम भी काफ़ी समाज में फैला हुआ है कि हम अगर सारी चीज़ें हेल्दी खाते हैं फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ रहता है। इसका कारण है कि अगर आपकी जेनेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ जीन्स हमारे डिटरमिन करते हैं कि आपका लिवर कितना कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, आपकी इंटेस्टीन कितना कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, तो आपके शरीर में वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ रह सकता है, डिस्पाइट आपकी बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल भी है। और इसके लेवल को आपको केवल लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ये सारी चीज़ें छुपी हुई रहती हैं, साइलेंट किलर्स की तरह रहती हैं, और इनको डिफरेंट समय पे हर 6 मंथली एक एज के बाद से आपको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। तो हमने अभी तक जान लिया ट्राइग्लिसराइड्स के सोर्सेज के बारे में और इसकी क्या वैल्यूज हैं, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। अब हम जानेंगे कि ट्राइग्लिसराइड्स को हम नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर जब इनका रिस्क एक्सट्रीमली लेवल्स हाई होते हैं तब इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी होगी, जिसमें आपको सबसे पहले जो सिंपल शुगर रिलेटेड फूड आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूट जूसेस हैं, बिस्किट्स हैं, या कोई भी पैकेज्ड एक्सेस कैलोरी वाले जंक फूड्स हैं, डिब्बेबंद चीज़ें हैं, उसको पूरी तरह से बंद करना होगा। अपने खाने में फ्रूट सैलड्स, होल ग्रेन वाली चीज़ें जिसमें मल्टीग्रेन के आटे से बनी हुई रोटी हो सकती है, भुजिया चावल हो सकता है, या दलिया, पोहा, रागी, ओट्स, इनमें फाइबर्स बहुत होते हैं, ये खाने में आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आपको ऑयल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कैनोला ऑयल का रोल बहुत अच्छा होता है, जिसमें ALA नाम का एक तत्व होता है जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को बढ़ते नहीं देता है। इसके साथ ही आपको किसी भी तरह की बहुत एक्सेस कैलोरीज या बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी एक बार में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप 2-2 घंटे के इंटरवल्स पे खा सकते हैं, बट एक बार में ज़्यादा खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि रात्रि का भोजन जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली दिन के खाने से और भी कम रखें, जिससे उससे आगे के जो रात में होने वाले इवेंट्स होते हैं हार्ट रिलेटेड, उसके चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। तो नेचुरल वेज में मैंने बताया कि डाइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लस एक्सरसाइज का रोल बहुत है। ओबेसिटी पूरी तरह से आपको इसमें ख़त्म करनी होती है, स्पेशली जो पेट पे हमारे फैट होता है वो सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स को बिल्डअप करता है। तो इसके लिए आपको रेगुलर ब्रिस्क वॉक जैसी एक्सरसाइज 45 मिनट्स to 1 आवर की रेगुलर करते रहनी चाहिए। जब भी शरीर में आपके ट्राइग्लिसराइड्स को आपके डॉक्टर ने बताया कि अगर ये लेवल्स बढ़े हैं, तो आपको अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक बढ़ा लेना होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सबसे अच्छे सोर्स जो हैं वो स्पेशली सालमन फिश ऑयल्स है, उसके बाद से वॉलनट्स है, और खाने में चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत हेल्प करते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में। अगर लेवल्स आपके 500 से ज़्यादा हैं तो आपको अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज के साथ कुछ मेडिसिन आपके डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें फिनोपाइप्रीन नाम की एक दवा होती है, और ऐसी मल्टीपल ऑप्शंस आजकल बहुत बेहतर ऑप्शंस भी आ गए हैं, जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके शुरू करके इसके लेवल को समय से कम करके भविष्य के बड़े हार्ट अटैक और पॉलिश जैसे खतरों से बच सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, जानकार रहें। थैंक यू सो मच।